नमस्कार, मो ना प्रेरणा गुरुजी। मो मन गोटे प्रश्न, अवश्य प्रश्न आज नुह छुआ बेलर, कहीं आम धीरे धीरे जमी बड़ हो माँ बड़मा मान मुँह सब शुणी जे पर्वपर्वाणी अच्छे मानने आमिष खाइबनी। तेणु एक्चुअली एक घटना पछरे कौन कथा रही कहीं पर्वपर्वाणी में घर मानक बारण कराए आमिष खाइबापी मुझे आपंठ जानवाक चाहिए। आम साधारण दि प्रकार उत्सव करू, गोटे पितृपुरुष मान गोटे देवादेवी पितृपुरुष मानी जहाँ करूँ ताको आम श्राद्ध पद्धति कहू एवं देवादेवी मानी जहाँ करूँ आम उत्सव व पार्वण बोली कहू। दीटी क्षेत्र में मुख्य लक्ष्य हूँ कौन श्रद्धार आम जहाँ पालन करूँ श्राद्ध एवं आमर जो रही उत्सवर कथा आम भितरे हर्ष उल्लास को नहीं जहाँ आम पालन करूँ ता हूँ उत्सवर कथा। दीटी क्षेत्र में आमको सचेतन जदि न रहू बा आमर मन जदि अन्य दिगक चली जाए ताले आमे जो ये क्रिया संपादित करने चाहूँ से विच्युत हो। खाद्य गोटे एमिति प्रकार लालसा जहाँ आमर मति भ्रम करद। तो साधारण आमिष भोजन कथा जो पड़े आमिष भोजन में लालसा अधिका थाए एवं लालसा ग्रस्त हो आमर लक्ष्यच्युत हो आम खाद्य उपरे अधिक भाव आमर लक्ष्य रहिबो एवं कम भाव आम उत्सव बा श्राद्ध पद्धति उपरे व्यवहार कर। द्वितीय जे काहीकि आमिष भक्षण को निषेध करा जाए शरीर भितरे यदि उष्मता वृद्धि हुए ताले मन कौन हुए मनरे उच्चाटन सृष्टि हुए। आम कहूँ जो निरामिषाशी खाद्य आम भितर पूरा सात्विक मनोभाव सृष्टि करे कहीं ता भितर शीतलता प्रदान करिवार शक्ति अच्छे से आम सात्विक मनोभाव आसे। जितेबाला तामसिक खाद्य खाऊ से तामसिक मनोवृत्ति हुए आम भितर उद्धामता देखा दिए। तो कौन सी उत्सव बा श्राद्धर कथा हो बा पूजा पर्वाणीर कथा हो सेठी उद्दामतार आवश्यकता नाही, सेठी शीलतार आवश्यकता अच्छी, शांत रहिवार आवश्यकता अच्छी एवं निष्ठा आमर निष्ठा एवं एकाग्रतार आवश्यकता अच्छी। सेथिपाई आमको आमिष भक्षण पाई अनेक समय निषेध करा जायछि, किंतु एमिति भी किछि पर्व पर्वाणी अच्छी जोठी आम आमिष भक्षण करूचे जोठी केवल उत्साह कथा उठिछि जोटी आनंदर कथा उठी से पर्वपर्वाणी आमको अनुमति अच्छे आम आमिष खाद्य परसु जमी रजरे घरे घरे आमिष करती दशहरा महाअष्टमी आम आमिष भोग करके आम आमिष खाऊ। तेणु यह संपूर्ण सत्य नुहे जे सबू पर्वपर्वाणी आमको बारण करा नुहे आवश्यकता दृष्टि जे मनुष्यर चेतन अवस्था से पर्वरे केमिति रहिबा दरकार केमिति हवा उचित से अनुसार ही पर्वपर्वाणी करा जाए। जदि स्वादिष्ट खाद्य कथा कहा जाए कि आम पिठापणार कथा कहू जे पिठापणा हो तेणु खाद्य आम भितर शीलता एवं आमर विचारधारा को ठीक रास्तार नवापाई से उपयुक्त तरीके मुनि ऋषि मान द्वारा विवेचना करा जाए।